सदगुरु कहते हैं कि शिव जी परम भगवान है और इस्कॉन के डिवोटीज को कहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, तो भला ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें? बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। अगर आप गौर से देखें, सदगुरु जी ये नहीं कहते कि शिव जी जो है परम भगवान है। इनफैक्ट भगवान का कॉन्सेप्ट सदगुरु की फिलोसफी में है ही नहीं, बल्कि सदगुरु जी का अगर आप वीडियो देखेंगे उनका जो कहना है कि वैदिक धर्म कभी भगवान वाला धर्म रहा ही नहीं है, भगवान का इसमें कभी कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है, ये तो हमेशा सीकर्स रहे हैं इसके अंदर। दैट मीन्स वी हैव ऑलवेज बीन सीकिंग ट्रूथ, तो इसलिए भगवान कॉन्सेप्ट उनमें नहीं है। शिव जी को वो आदि गुरु मानते हैं कि जो वास्तव में आदि गुरु है वो शिव जी है। तो इस तरह से गुरु का कॉन्सेप्ट उन्होंने शिव जी के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ, और ये अपने आप में देखा जाए तो सही बात भी है, शिव जी जो है वास्तव में गुरु ही हैं। जैसे पर्सनली स्पीकिंग मैं भी शिव जी से बहुत अटैच था, और शिव जी से बहुत अटैच होने की वजह से मुझे शिव जी की कृपा से मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। तो जिनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई उनको गुरु बोलते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा मेरे जीवन में एक्चुअली शिव जी ने गुरु का काम किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी भगवान श्री कृष्ण कोई भी अवतार लेते हैं तो शिव जी भक्त का रूप में आते हैं। अगर वो राम जी के रूप में आएंगे तो शिव जी आते हैं हनुमान जी के रूप में। अगर भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो शिव जी आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में या मुरारी गुप्त के रूप में। तो हमेशा ये भक्त के रूप में आ रहे हैं क्योंकि वास्तव में शिव जी का जो स्वरूप है वो भक्त का है। अच्छा, ऐसे कैसे? वेल, शास्त्रों में लिखा है श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16 के अंदर, वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने वैष्णव हैं उनमें शंभु यानी शिव जी तो नंबर वन है, उनके ऐसा कोई भक्त है नहीं जी। तो नो डाउट सदगुरु, क्योंकि शास्त्रों पर आधारित फिलॉसफी उनकी नहीं है, उनका खुद का ऐसा मानना है और हम उनके जो मत है उसका सम्मान करते हैं। हालांकि क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको अपना मत रखने का या मत मानने का उनको स्वतंत्रता है, तो इसलिए ये स्वतंत्रता सदगुरु जी के पास भी है। सो आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, बट यस आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि उनकी वजह से आज कई लोग सात्विक भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, हम क्योंकि वैदिक शास्त्र को मानने वाले हैं, क्योंकि जो भगवान की वाणी है अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट वी शुड फॉलो द वर्ड्स ऑफ गॉड। सो वर्ड्स ऑफ गॉड आर स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। अफकोर्स कोई कुछ लोग बोलते हैं कि माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, तो इट्स नॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये सिर्फ इंग्लिश में जब आए थे तो उनका ऐसा मानना था कि वो दे आर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। पर आयुर्वेद इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदा, क्या वो माइथोलॉजी है? नो। वैदिक मैथमेटिक्स इज माइथोलॉजी? नो, इट्स नॉट माइथोलॉजी। इम्ब्रियोलॉजी गिवन इन थर्ड कैंटो भागवतम, इट इज माइथोलॉजी? नो, इट इज नॉट माइथोलॉजी। भू जो है वो गोल है, ये भूगोल ये किसमें दिया है? हमारे शास्त्र में दिया हुआ है भूगोल, तो क्या ये माइथोलॉजी है? नो, ये माइथोलॉजिकल नहीं है। सो दैट इज, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि शास्त्रों में दी गई है। प्रेडिक्शंस अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक लॉर्ड बुद्धा, चाणक्य पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य, चैतन्य महाप्रभु, ये अभी भी आए सबके सब, और इन सबकी प्रेडिक्शंस भी शास्त्रों में है। क्या ये माइथोलॉजी है? ये माइथोलॉजी नहीं है। सो शास्त्र आर नॉट माइथोलॉजी, दे आर द टेक्स्ट ऑफ दे आर द टेक्स्ट हाउ टू लिव स्पिरिचुअली वेल इन योर एवरीडे लाइफ। आप सदगुरु क्योंकि शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, उनका खुद का मानने के बाद चामुंडी हिल पे वो बैठे थे और वहाँ पर उनको कुछ फीलिंग्स हुई और फिर उनको प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट्स अप टू हिम ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि सदगुरु जो है सिर्फ गुरु की बात कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं करते। लेकिन हम हरे कृष्ण वाले गुरु की बात भी करते हैं और साथ में भगवान की बात भी करते हैं, तो इसलिए गुरु वाला पार्ट हम भी अग्री करते हैं कि भाई जो शिव जी हैं वो तो गुरु के समान है और भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण है। सो दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल। जैसे क्रिश्चियनिटी अभी दे आर पीपल हु से ओके जीसस क्राइस्ट इज द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। सो बिल्कुल हम भी मानते हैं, बिल्कुल वो गुरु का कार्य कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट। उन्होंने बोला भाई मैं तो, मेरे फादर मेरे से महान है, मेरे पिता जो हैं वो सबसे महान है। उनके पिता है कौन? भगवान कृष्ण बोले अहम बीजा पिता पिता, मैं पिता हूँ। तो पिता ने बोला मैं पिता हूँ, बेटे ने कहा मैं बेटा हूँ। तो जीसस क्राइस्ट जो है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, इस तरह से बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, स्पिरिचुअल पुत्र हैं। तो इस तरह से दैट वेज क्रिश्चियनिटी हो या सदगुरु जी हो, हम दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हैं। शिव जी जो है हमारे गुरु समान है और परम भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल।